नाला सुपारा में दिल दहला देने वाली घटना। पति ने पत्नी का गला घोटा। 25 वर्षीय पति ने रविवार को अपनी 22 वर्षीय पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। ये घटना नाला सुपारा की है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ के साथ जांच कर रही है। नाला सुपारा की यशवंत गौरव रोड स्थित विनय कॉम्प्लेक्स स्थित आनंद विवे बिल्डिंग निवासी भाविक ठक्कर ने अपनी पत्नी मुन्नी की हत्या कर दी। पति की उम्र 25 वर्ष है और पत्नी की उम्र 22 वर्ष। भाविक ने इस युवती से फेसबुक के जरिए मुलाकात की थी और दोनों में प्यार हो गया। 6 महीने पहले दोनों ने शादी कर ली थी। सूत्रों के मुताबिक भाविक ठक्कर गुजराती है। भाविक की पत्नी को किसी कारण से 20,000 रुपए चाहिए थे। इस बात को लेकर उनके बीच मारपीट हो गई। इस लड़ाई के बाद रविवार को करीब 2:30 बजे गुस्से में आकर उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया अपने पत्नी के और सोफे पर फेंक दिया और दोनों हाथों से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी पति ने इमारत के अन्य निवासियों को घटना के बारे में बताया। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। घरेलू विवाद को लेकर पति ने गुस्से में पत्नी की हत्या कर दी है। आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके अपराधों की जांच जारी है। देखते रहे हमारे साथ लगातार मेट्रो सिटी समाचार।